सिंह जिले के बरौली थाना के एक गांव के किशोर और इंटरमीडिएट के छात्र को मारपीट, छेड़खानी और डायन एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए जिला किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर मणि तिवारी तथा सदस्य ममता श्रीवास्तव ने अपने पास के एक मिडिल स्कूल में 3 माह तक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की सजा सुनाई। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक मुखिया पर हुआ जानलेवा हमला, वहीं सासाराम में बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पर भी जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। यूक्रेन में फंसे हैं कई बिहारी छात्र, वापसी की कवायद शुरू, 26 फरवरी से होंगे एयरलिफ्ट। पंजाब नेशनल बैंक से 5 करोड़ का साइबर फ्रॉड, सीबीआई को जांच सौंपने की तैयारी। वैशाली में बेटे की तबीयत खराब होने पर इलाज करने वाले ओझे को ही मौत के घाट उतारा। समस्तीपुर जिले के मुशरी घरारी थाना क्षेत्र के रुपौली गांव निवासी जदयू नेता मोखलील आलम के हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नौकरी के नाम पर पैसे लेने के विवाद में जदयू नेता की हुई थी हत्या, मरने के बाद जमीन में गाड़ दी थी लाश। भागलपुर में दिन दहाड़े HDFC बैंक के कैशियर से 13 लाख लूटे, 1.5 घंटे बाद पुलिस को दी सूचना। बिहार के गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप एक युवती की अज्ञात अपराधियों ने रेप करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी, मृत युवती की पहचान नहीं हो सकी है। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब गन्ना पर भी मिलेगा क्षति का अनुदान, बढ़ाया गया फसल का मूल्य। एक और जहां नीतीश कुमार राज्य में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए समाज सुधारक यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के जिले में जदयू के युवा नेता शराब के नशे में धुत होकर नंगा नाच कर रहे हैं। युवा नेता का नंगा नाच करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।